गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर फोर ऑफ टर्म थ्री. चैप्टर नेम इज क्लोथ्स एंड देयर मेंटेनेंस एंड दिस इज लेक्चर नंबर वन ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर we will cover the following points, subtopic of this lecture. Natural fibers, we will learn about natural fibers, in which we will learn about cotton, jute, wool and silk, and we will also learn we wear clothes to protect ourselves from heat, rain, cold and germs. हम कपड़े अपने आप को हीट से, रेन से, कोल्ड से और जर्म से बचाने के लिए पहनते हैं. इसके साथ ही हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम स्मार्ट बन लग सकें, हम डिसिप्लिन में लग सके, हम देखने में प्रेजेंटेबल लग सके, इसलिए भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हैं. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वोर क्लोथ्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज. अर्ली ह्यूमंस मीन्स जब बिल्कुल शुरुआत में, जब लोगों को कपड़ों के बारे में, कपड़े किस चीज़ से बनते हैं इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, तब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल स्किन मतलब जानवरों की खाल या पेड़ों की जो लीव्स पत्तियां होती हैं उसको आपस में सिलकर उसके उससे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. वी वेयर clothes which are made from long threads called fibers. These fibers are woven or knitted to make the fabric which is used for making clothes. हम कपड़े पहनते हैं जो कि लंबे लंबे धागों से, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं, उनसे बने हुए होते हैं. तो मेनली जो हम कपड़े पहनते हैं वो धागों से मीन्स फाइबर से मिलके बने होते हैं. और ये फाइबर्स जो होते हैं या तो ये सिले हुए होते हैं या ये बुने हुए होते हैं. और इनका इनसे हम इन फैब्रिक से हम अपने कपड़े बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं. इन धागों को या तो हम बुनते हैं या हम इनसे सिलते हैं इन्हें, और फिर इनसे कपड़े बनाते हैं. फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स. फाइबर्स को हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिससे कि जिन सोर्सेस से, जिनसे वो हमें मिलते हैं उसके बेस पर हम फाइबर्स को टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. नेचुरल फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो नेचुरली हमें मिलते हैं, एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एंड द अदर वन इज सिंथेटिक फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड natural fibers. Cotton, jute, linen and coir are the natural fibers obtained from plants. जो fibers हमें plants से या animals से मिलते हैं उन्हें हम natural fibers कहते हैं, क्योंकि plants और animals दोनों ही natural things हैं. तो ये हमें फाइबर्स
प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। कॉटन, जूट, लिनन और क्वायर, ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क और वूल ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। डू यू नो कॉटन वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया। फाइन लिनन वॉज यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी इन एंशियंट इजिप्ट। कॉटन फाइबर जो है वो पहले इंडिया में ही मिला था, और जो फाइन लिनन है, बहुत फाइन क्वालिटी के जो लिनन होते हैं, उन्हें एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट मतलब पुराने टाइम का जो इजिप्ट था, उसे उसमें इसे एज अ करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। जैसे अब भी हमारे यहाँ जो करेंसी है, नोट है, वो कागज के पेपर के होते हैं, उसी तरह एंशियंट इजिप्ट में करेंसी के रूप में बहुत फाइन क्वालिटी के लिनन का यूज किया जाता था। कॉटन, कॉटन ग्रोज ऑन प्लांट्स। इट इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड बॉल्स। फार्मर्स पिक आउट कॉटन फ्रॉम दीज बॉल्स। कॉटन जो है वो प्लांट्स में उगता है, प्लांट्स के फॉर्म में होता है। ये इसके फ्रूट्स होते हैं एक्चुअली में, जिनके बीच में ये बॉल्स के रूप में होता है, और जो फार्मर्स होते हैं वो इनमें, इन कॉटन के फ्रूट्स में से इन बॉल्स को निकालते हैं और उन्हें कलेक्ट करते हैं। दिस कॉटन प्लांट लुक्स लाइक अ बंडल ऑफ सम फ्लफी मटीरियल, बट इट एक्चुअली हैज थिन फाइबर्स इन इट। दीज फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू गिव लॉन्ग थ्रेड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब ये कॉटन प्लांट्स में से, इनके फ्रूट्स में से फार्मर इन्हें कलेक्ट करता है, तो ये एक बंडल की तरह लगते हैं, फ्लफी मटेरियल, जैसे बिल्कुल फूला फूला मटेरियल होता है उस तरह से लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत थिन फाइबर्स होते हैं इनमें, और इन फाइबर्स को ट्विस्ट करके, इनको इकट्ठा मिलाकर लंबे लंबे थ्रेड बनाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिससे कि इनको थ्रेड के फॉर्म में बनाया जाता है, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। These fibers are then woven into fabric by weavers. The weaver's machine is called a loom. The fabric is then dyed in different colors. In fibers ko phir uske baad fabric mein वीवर्स द्वारा, जो बुनने वाले होते हैं, उनके द्वारा इन्हें बुना जाता है, और इनकी जो वीविंग मशीन्स होती हैं उन्हें हम लूम कहते हैं। फिर इससे जो फैब्रिक बनता है, इन धागों से जो फैब्रिक बनता है, उन्हें अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। ब्यूटीफुल डिजाइंस में ऑल्सो बी प्रिंटेड on it to make it look more attractive. In fabrics पे और भी ज़्यादा designs जो हैं वो print किए जाते हैं, ताकि ये fabrics और भी ज़्यादा attractive लग सके, सुंदर लग सके। इसीलिए जब हम market में देखते हैं तो हमें अलग अलग print के, अलग अलग color के, अलग अलग designs के fabrics दिखाई देते हैं। Dyeing and printing of fabric is done in a
factory by dyers and printers. फैब्रिक्स पर जो डाइंग मतलब फैब्रिक पे जो कलर चढ़ाया जाता है जिसको हम डाई करना बोलते हैं या जो प्रिंटिंग की जाती है वो फैक्ट्री में की जाती है और डाइंग जो है वो डायर्स के द्वारा किया जाता है और प्रिंटिंग प्रिंटर्स के द्वारा की जाती है. दिस फैब्रिक इज देन सेंट टू द मार्केट एंड इज यूज्ड for making a variety of clothes. ये fabric जो है ये dye होने के बाद print होने के बाद अलग अलग colors में अलग अलग designs में dye और print होने के बाद इसे market में भेजा जाता है जिसे कि हम इन कपड़ों का अलग अलग इन clothes का अलग अलग जगह use कर सकें अलग अलग कपड़े इनसे बना सकें. मार्केट में जो क्लोथ्स मिलते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते. सब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डिफरेंट सीजन में पहनने वाले कपड़े होते हैं. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर. जैसे कि हम समर में कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट एंड कीप आर body cool. They also absorb sweat from the body. ये जो cotton clothes होते हैं ये heat को absorb नहीं करते और इसी वजह से ये cool रहते हैं. ये कपड़े हमें गर्मी का एहसास नहीं कराते और इसके साथ साथ ही ये हमारे स्वेट को पसीने को भी absorb करते हैं सोख लेते हैं. इसलिए हमारी body कूल रहती है. इसलिए हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. जूट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स रोप्स कारपेट्स एक्सेट्रा. लिनन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट. जूट जो कि हमें प्लांट से ही मिलता है इसका यूज भी हम गनी बैग्स मतलब बोरे बनाने में रस्सी बनाने में कारपेट ये सब बनाने में हम जूट का प्रयोग करते हैं. जूट को हम यूज करते हैं. आपने देखा होगा जो गनी बैग्स बोरे जो होते हैं या रस्सियां जो होती हैं कारपेट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं ये जूट के बने हुए होते हैं. ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. लिनन फाइबर्स जो है वो भी नेचुरल फाइबर है और ये हमें फ्लेक्स प्लांट से मिलता है. क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. क्वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फुटमैट्स रोप्स मैट्रेसेस. क्वायर जो कि हमें कोकोनट के आउटर कवरिंग से जो कोकोनट नारियल जैसे आपने देखा होगा तो जब उसकी छीलते हैं उसका जो छाल होता है उससे हमें जो मिलता है वो क्वायर कहलाता है. और इस क्वायर का यूज हम फुटमैट बनाने के लिए रोप्स बनाने के लिए और मैट्रेसेस मैट्रेसेस मीन्स गद्दे बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं. Wool. Wool is obtained from the body coat of some animals like sheep, camel or goat. This coat is called fleece. Wool is most obtained from the fleece of sheep. Wool, जो कि हमें एनिमल की बॉडी से ही मिलते हैं मिलती है जैसे कि शीप है ना और कैमल या गॉट. इनकी जो ऊपर की बॉडी की कवरिंग होती है जो कोट होता है ऊपर का उसे हम फ्लीस कहते हैं. शीप की जो फ्लीस होती है
उससे हमें वूल मिलती है। फर्स्ट द फ्लीस इज शेप्ड ऑफ द स्किन ऑफ शीप। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। द फ्लीस हैज लॉन्ग थ्रेड्स इन इट विच आर स्पन इंटू लॉन्ग फाइबर्स। सबसे पहले शीप के ऊपर से जो फ्लीज है उसे शेव्ड ऑफ किया जाता है, मतलब उसे हटाया जाता है, उसे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इसे, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। और इस फ्लीज में लंबे लंबे थ्रेड होते हैं जिसे कि हम लॉन्ग फाइबर्स में स्पिन करते हैं, मतलब उन्हें लॉन्ग फाइबर्स में, इन फ्लीज से उन्हें लॉन्ग फाइबर्स में, थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। दीज फाइबर्स आर देन वुवन इंटू वूलन फैब्रिक विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स लाइक कोट, ट्राउजर्स, शॉल्स एक्सेट्रा। वूल फाइबर्स आर ऑल्सो निटेड टू मेक स्वेटर्स, कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स एक्सेट्रा। इन फाइबर्स को उसके बाद फैब्रिक्स में, वूलन फैब्रिक्स में बुना जाता है। और इस फैब्रिक का यूज हम कोट, ट्राउजर, शॉल इत्यादि बनाने में करते हैं। वूल फाइबर्स से हम बुनकर, निटेड मतलब बुनना, बुनकर हम, वूल को बुनकर हम स्वेटर, कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स बनाते हैं। ये सभी चीजें हमने देखा है कि वूल की ऊन की बने होती हैं, ये गर्म होती हैं और हमें वार्म रखती हैं ये चीजें सभी, ये जितने भी क्लोथ्स हैं। वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। दे कीप आर बॉडी वार्म। वी प्रिफर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर as they absorb heat and keep us warm. हम woolen clothes सर्दियों में पहनते हैं, जैसे कि अभी ये मौसम चल रहा है, तो woolen clothes हमें warm रखते हैं, ये कपड़े गर्म होते हैं, ये हमारी बॉडी को warm रखते हैं। हम मोस्टली विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि डार्क कलर के कपड़े ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ये गर्म होते हैं और हमें दे ऑल्सो कीप अस वार्म, इसी वजह से ये हमें वार्म रखते हैं। जबकि कॉटन क्लोथ्स ये हमें, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और मोस्टली हम समर्स में लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें वार्म रखते हैं। सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स। ड्यूरिंग दिस टाइम दे सीक्रेट अ लिक्विड विच टर्न्स into thin silk thread. Silk, हम सबको पता है कि सिल्क के भी कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है जो कि मलबरी लीव्स पर, मलबरी के जो पत्ते होते हैं उन पर ग्रो करते हैं। इस दौरान ये एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं, इनमें से एक लिक्विड निकलता है जिनसे, जो लिक्विड से सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है। सिल्कवर्म्स विंड दिस थ्रेड अराउंड देमसेल्व्स टू मेक अ होम कॉल्ड कुकून। इसे हमने सेकंड टर्म के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि सिल्कवॉर्म जो है वो अपने आसपास
एक थ्रेड सा बना लेता है, एक घर सा बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं, एक शेल सा बना लेता है जिसे हम कोकून कहते हैं। दीज कोकून्स आर कलेक्टेड एंड सिल्क थ्रेड इज रिमूव्ड फ्रॉम देम। दीज थ्रेड्स आर देन वुवन इंटू क्लोथ। ये कोकून को कलेक्ट किया जाता है और इनमें से सिल्क की जो थ्रेड्स होते हैं इन्हें अलग किया जाता है और उसके बाद इन थ्रेड से इनको इन थ्रे, जो ये थ्रेड इकट्ठे होते हैं बनते हैं उससे हम सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स। अभी हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा, अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स इन दी फैक्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। रेयॉन, नायलॉन एंड टेरेलिन आर सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर्स केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये नेचुरली नहीं होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, इन्हें हम सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन ये कॉमनली मिलने वाले सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स। दे आर रिंकल फ्री, हैव फास्ट कलर्स एंड आर नॉट स्पॉइल्ड बाय मॉथ्स। सिंथेटिक फाइबर पहनने में या यूज करने में ड्यूरेबल होते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स के तुलना में ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं। ये रिंकल फ्री होते हैं, मतलब इनमें बहुत जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते, इनके कलर्स भी फास्ट होते हैं और इन्हें ये मॉथ टिड्डी वगैरह इनको स्पॉयल भी नहीं कर पाती। तो इसके साथ ही इनका मेंटेनेंस भी ज़्यादा इजी होता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस है। सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर गवर्नमेंट टू टाइप से काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लेवल पे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो अपने अपने स्टेट के लेवल पे काम करती है, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सभी स्टेट्स हैं। तो इन सभी स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली में है जो कि पूरे कंट्री के लेवल पे काम करती है। नाउ टुडेज होमवर्क। ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। नेचुरल फाइबर्स के नाम बताने हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू यूजेस ईच ऑफ जूट एंड क्वायर। जूट एंड क्वायर के दो दो यूज लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
वूल हमें कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म? सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे मिलती है? सो ऑल इज दिस अबाउट टुडेज लेक्चर. गुड बाय, टेक केयर. द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर बनते हैं, जिनके हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर बनते हैं, जिनके हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर बनते हैं, जिनके हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर बनते हैं, जिनके हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं.